ठीक है, मैं हूँ कमर अब्बास पाकबंदा व्लॉग के साथ। दोस्तों ने मिलके मीटअप प्लान बनाया था, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी कुछ दोस्त हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, तो उनके साथ मीटअप प्लान था। बेसिकली मैं ही जो है ये प्लान करने वाला था मेकअप, और मैं ही देर से जा रहा हूँ। टाइम अभी बच गया है, 11 बजे का टाइम रखा था और अभी 10:30 बज गए। तो ये है कि ये दुआ करें सामने रास्ते में ट्रैफिक जैम ना हो। मैं भी BRTC डबल डेकर बस के अपर पोर्शन पे रहा हूँ। BRTC बेसिकली बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है। इन सिटी भी है और इंडिया के लिए, और आउट ऑफ सिटी जो है ढाका से आउट ऑफ सिटी भी ये जाती है। तो बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है, मुनासिब जो है इसे कराए हैं। दुआ कीजिए कि मैं टाइम नहीं पहुँचता हूँ। बाकी की वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखिए, वहाँ पहुँच के आपको मिलवाता हूँ किन किन से दोस्तों से मीटअप हो रहा है। तो मैं याद रखिए इंशाल्लाह आज चल के जो है आप तो सब दोस्तों से मिलवाता हूँ कि वहाँ पे कौन कौन मौजूद है। इस वक्त मैं जुराइन रेल गेट पे पहुँच चुका हूँ, तो कुछ आपको दिखाता हूँ। ये हैं ढाका के साइकिल रिक्शा, ठीक है। जी दोस्तों, मैं इस वक्त जो है यात्रा बारी पहुँच चुका हूँ और रशीद भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी हम कुछ दोस्त यहाँ पे जमा हो चुके हैं और बाकी जो है अभी आने वाले हैं। कमरान भाई अभी आने वाले हैं, यहाँ पे रशीद भाई पहुँच चुके हैं, लाहिर भाई पहुँच चुके हैं और आरिफ भाई पहुँच चुके हैं। तो चला बाकी दोस्त भी आते हैं, बताते हैं तो कैसे हम सब दोस्त ठीक हैं। हम यहाँ पे जमा हुए हैं कुछ पाकिस्तानी फ्रेंड, आइए आपको इन सबसे मिलवाता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन मौजूद है। ये सारे दोस्त यहाँ पे गपशप हो रही है। यस, ये ले ले। प्यारे भाई अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। जी मेरा नाम आरिफ अली है और मैं एजुकेट पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं यहाँ पे ब्रेक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और ये मेरा लास्ट ईयर है यहाँ पे, तो ये इसके बाद मैं ग्रेजुएट हूँ। जो कल्चर कैसा? कल्चर रोड की फ्रेंड है, मैं गिलगित से हूँ, तो हमारे वहाँ तो नॉन स्पाइसी फूड यूज़ होता है और यहाँ पे स्पाइसी फूड है, ये डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे राइस ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइस, फिश और चिकन, और हमारे वहाँ चाय गंदम की रोटी यूज़ होती है, ये डिफरेंट है। उसमें कल्चर डिफरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जो बंदा पंजाब सिंध से है उसके लिए इतना डिफरेंस नहीं है, मोस्टली इनका कल्चर थोड़ा सा मैच करता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी प्यारे भाई आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। जी मेरा नाम याकत अली खान है, मैं सिंध से राजस्थान के बॉर्डर के करीब में कर रहा हूं। ने का जी कामरान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, कब से हैं आप बांग्लादेश में? आपका इंटरव्यू होगा, सिंगल इंटरव्यू आपका साथ। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से।
ठीक है। तो कब से हैं बांग्लादेश में? 6-7 माह। ठीक है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे बांग्लादेश में? एक्सपीरियंस तो ठीक है, बट यहाँ का खाना हमें अच्छा लगता है। खाने से थोड़ा सा वो है, कैसे ठीक है, पानी पानी होता है, ठीक है, पानी पानी लगता है, ठीक है, समथिंग पानी पानी है अच्छा। उसके अलावा कल्चर के हवाले से यहाँ का कैसा रहा ओवरऑल? मतलब यहाँ के तो मसाला लोग बहुत लवली हैं, अच्छे लोग हैं, प्यार करने वाले, ठीक है। और मतलब यहाँ पे आपका जो कह लें कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से क्या लोग यहाँ पे रूल फॉलो करते हैं या इस हवाले से कुछ पाकिस्तान के नस्बत? बांग्लादेश का सेम सेम है, जो एशिया कंट्री होती है ना सेम ही है, बट ये थोड़ा हमसे आगे हुए। ठीक है, ठीक है। बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको पसंद आई जो आपको सबसे डिफरेंट लगी, वो अच्छी लगी हो पाकिस्तान से बेहतर या वैसे? बांग्लादेश में यहाँ पर जैसे मुझे यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और अगर पाकिस्तान में बिजनेस करें तो बांग्लादेश की है, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है सपोर्टिंग है, ठीक है। कौन चीज़ पसंद है यहाँ पे? कुछ घूमे फिरे हैं टूरिस्ट कहाँ पे? ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है। तो बांग्ला कुछ सीखी है आपने? ठीक है सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो है व्यूअर्स के लिए, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दोनों के लिए? ठीक है, बहुत सारे दोस्त जो है या व्यूअर्स वो पूछते हैं जो पाकिस्तान में हैं और आना चाहते हैं बांग्लादेश में, और वो पूछना चाहते हैं कि बांग्लादेश में लाइफ कैसी है या वहाँ के लोग कैसे हैं, फ्रेंडली या मतलब ओवरऑल, तो उनको क्या अपना मैसेज देंगे? ये जो बांग्लादेश है, ठीक है, पहले ही बता रहा था बिजनेस के लिए अच्छा है। अब यहाँ पर बिजनेस के लिए तो यहाँ पे काफ़ी तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, तो ये रहने का मतलब ये तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उन्हें तो वेलकम करती है, ठीक है, खास करके ये चीज़ अच्छा है ये मुझे, ठीक है। टूरिज्म के हवाले से कैसा है वर्तमान? ये तो सरकार की ये आइन आपको, और यहाँ का मौसम मुझे तो बहुत फ्रेंडली लगा है, क्योंकि यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं, यहाँ 6 मौसम है, मैंने ऐसा सुना है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा देंगे, और कब से हैं बांग्लादेश में, कैसा लग रहा है आपको बांग्लादेश? तकरीबन सितंबर से आया हूँ, ठीक है, 3-4 महीने होने वाले हैं यहाँ पे, तो अच्छा है यार बांग्लादेश, ठीक है, इतना खास फर्क है नहीं पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। तो कैसा कल्चर, कुछ डिफरेंस फील किया आपने? कुछ चीज़ें तो है डिफरेंट, रहन सहन में बड़ा फ़र्क है, कुछ खाने बड़े डिफरेंट हैं हमारे के, ठीक है, बड़े टेस्टी हैं इनके, और कुछ टेस्टी हैं लेकिन वो हमारे लिए वो सूटेबल नहीं, सही, जैसे ठीक है। वेदर के हवाले से आपने क्या फील किया यहाँ का मौसम कैसा? यहाँ पे ना एक चीज़ की हमें कमी महसूस होती है, सर्दी नहीं मिलती हमें देखने यहाँ पे, ये कोट तो हमने पहन लिया लेकिन इसका मज़ा नहीं आ रहा, नीचे पसीना आ रहा है, सही। तो यहाँ पे ये है कि हाँ बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, यानी कि मीडियम बहुत ज़्यादा रहता है, सर्दी नहीं होती, तो सर्दी के नाम पे धोखा सही है, ठीक है। और बाकी क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई बांग्लादेश की? यहाँ पे जो गांव साइड में जाए ना, विलेज एरिया में, वहाँ पे जो ग्रीनरी नेचर जो हमारे तो पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलता है, कि जो क्या कहते हैं इसको, समंदर का जो हिस्सा गुजर रहा होता है बाजी के अंदर से, उसको क्या कहते हैं बंगला ज़्यादा नहीं पता, कोई को नहीं, 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 नहीं कुछ और कहते हैं, वो खाल कहते हैं,
जगह जगह पर जो खाल होते हैं वो जो व्यू आता है ना पानी का वो बड़ा अच्छा। सही ठीक है, मतलब अच्छी है, नेचर अच्छी है, ठीक है। लोग फ्रेंडली हैं यहाँ के? ठीक है, मेरा तो जितना भी होगा बड़ा अच्छा ठीक है, लोगों से मिलना बांग्लादेश में बांग्ला में बोले कुछ चेन्नई फिर व्यक्ति दो साल से रह रहे हैं यहाँ, थक रहे हैं यहाँ पे दो साल से, छह लड़कियाँ नहीं नहीं हम थक रहे हैं। আমি বাংলাদেশি মেয়েকে ভালোবাসি এই বলে দেন। এখানে আমাদের বাংলাদেশে কিছু পাকিস্তানি গেস্ট, তারা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসেছে, তাদের সাথে একটা সামান্য একটা পার্টি এই উদযাপন করছি, আর পাকিস্তানিদের জন্য এটা অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई जवा दे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जवा दे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। दिल से हुआ है अहद वफा।